जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं पर हौसले अलग अलग। कोई संघर्ष करके बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिक की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। इस सेशन के माध्यम से दैनिक समसामयिक के प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके भी हम लोग महत्वपूर्ण देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए, दिया गया, जीवन में सफलता पाने का एक राज है, जो कुछ करना है वक्त उसका आज है। आत्मविश्वास नहीं देखता कितने तूफान हैं, तेज बारिश और तूफानों में उड़ने वाला बाज है। मतलब निरंतर आप अगर प्रयास करते रहे तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज। देखिए, पहला है, भारत सरकार की किस संस्था के द्वारा देशव्यापी अभियान एक सप्ताह एक लैब प्रारंभ किया जाएगा। विकल्प हमारे दिए गए, पहला CSIR, दूसरा DRDO, तीसरा नीति आयोग, था इसरो। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। CSIR के द्वारा एक सप्ताह एक लैब अभियान प्रारंभ किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप देखिए यहां पर दिया गया है सपोर्ट यंग इनोवेटर्स, मतलब जो युवा इनोवेटर हैं इनको सपोर्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि CSIR की स्थापना कब होती है, 1942 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री होते हैं इस संस्था के अध्यक्ष होते हैं। इसी क्रम में दोस्तों भूलना नहीं है, इस संस्था की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है ये, तो आप ध्यान रखेंगे, नल्ला थुम्बी कलाई सेल्वी जो हैं ये पहली महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। किस संस्थान की, तो CSIR संस्थान की। इसी क्रम में अगर हम बात करें DRDO की, तो आपको भूलना नहीं है, 1 जनवरी 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है और हाल ही में इसके प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर समीर कामत। कौन है, डॉक्टर समीर कामत जी यहां DRDO के प्रमुख के रूप में हैं। इसी क्रम में नीति आयोग तमाम परीक्षाओं में बार-बार परीक्षा के रूप में प्रश्न के रूप में दिखाई देता है, तो आप जरूर याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को सरकार की थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया जाता है। किसे, तो आप ध्यान रखेंगे नीति आयोग को। किसके स्थान पर, तो आप याद रखेंगे योजना आयोग के स्थान पर। किसे स्थापित किया जाता है या किसका गठन किया जाता है, तो नीति आयोग का गठन किया जाता है। अगर बात करें इसके पहले उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे, तो अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष के रूप में होते हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और आपको याद रखेंगे हाल ही में CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में इसरो को नहीं भूलना है आपको, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है, तो बंगलुरु में है। और आप ध्यान रखेंगे पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए जाते हैं, तो विक्रम साराभाई नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। इसरो का बाल वैज्ञानिकों के लिए एक प्रोग्राम है, कई बार यह पूछा गया है युविका प्रोग्राम का संबंध किससे है, तो बाल वैज्ञानिकों के लिए इसरो के द्वारा प्रारंभ की गई है युविका प्रोग्राम। साथ ही साथ वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं, तो शोभनाथ जी जो हैं इसरो के प्रमुख हैं, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है, तो यह मोटेरा गांव है, गुजरात राज्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला, 600 मेगावाट क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां चालू किया गया, तो जैसलमेर राजस्थान में।